छोटू उस्ताद। छोटू ये रोपी रोकी पीछे कौन खड़ा है? अरे यार उस्ताद मुझे क्या पता, तुम बताओ ना तुमने खड़ा करवाया है। अबे छोटू मुझे लगता है आज रोपी रोक किसी बड़े मिशन पे जाने वाला है, इसलिए इसने मशीन को बाय किया है और ये इसके अंदर बैठेगा। मुझे तो लड़, अबे ये पीछे बैकग्राउंड में देख छोटू, ये तो मिलिट्री बेस आ गया भाई। अरे बैकग्राउंड को देखो, यहाँ पर तो मिलिट्री बेस है और ये देखो भाई साहब, ये तो ये अपनी किलिंग मशीन फ्रीज हो गई। अरे तो छोटू क्या ये अब चलेगी? चलेगी क्या, दौड़ेगी छोटू, देखा कैसे हो गई। ये तू क्या कर रहा है छोटू, अपनी किलिंग मशीन को कैसे तबाह कर रहा है? अरे तबाह नहीं कर रहा है आप, साथ फ्रीज कर रहा हूँ, फ्रीज करके भी चल रही है। मतलब ज्यादा हीट हो गई है इसलिए? अरे हाँ हाँ गुस्ताद, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है। अरे तो छोटू आज तू क्या करने वाला है मिलिट्री बेस में? मुझे तो बड़ा झटका लगेगा, या तो तू हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला है या तो पेंजर को। अब तू बता दे मेरे को क्या करने वाला है बाबा। उस्ताद ये देखो ज़ॉम्बीज कैसे चल रहे हैं, तीन तीन ज़ॉम्बीज यार अपनी मर्जी से यहाँ पर चल रहे हैं और पुलिस वाले इनको कुछ भी नहीं कर रहे। उस्ताद कुछ तो यार यहाँ पर चीज चल रही है यार जो अपन को पता नहीं है। वो देखो एक ज़ॉम्बी आगे जा रहा है गेट पर। अरे छोटू लेकिन अपन की किलिंग मशीन देख दीवार से ऊपर है, मतलब देखती जा रही है कि अंदर क्या चल रहा है। तू टेंशन मत ले छोटू, वो देख ज़ॉम्बी भी अपने साथ चल रहा है। लेकिन ज़ॉम्बी जो है ना छोटू, वो किलिंग मशीन को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर काटेंगे तो किलिंग मशीन लोहे की बनी हुई है रे। अरे बड़े आप सब, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ज़ॉम्बी यार अपन के इस मिलिट्री बेस के दरवाजे पर खड़े हैं। अब बताओ क्या करने का है? अरे छोटू इसलिए तो मैं समझ गया था रोपी रो आज कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए वो किलिंग मशीन को लेके आया। अगर ज़ॉम्बीज होंगे भी तो किलिंग मशीन को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये लोहा है, रेड लोहा। अब ये क्या करने जा रहा है अंदर? भैया देख अटैक भी कर दिया किलिंग मशीन पे। लेकिन छोटू एक चीज का तेरे को ख्याल करना पड़ेगा। हेल्थ का? अरे तू बहुत ही जल्दी समझ जाता है छोटू, अगर किलिंग मशीन मरेगी तो हेल्थ की वजह से मरेगी, वरना इनमें से किसी का बाप भी इसको नीचे गिरा नहीं सकते। अरे गिराने की बात तो छोड़ो यार उस्ताद, हर्ट भी नहीं कर सकता, डैमेज भी नहीं कर सकता यार इसका कोई भी, भले जितनी भी आरपीजी मार दे। मतलब छोटू मिलिट्री बेस का तबाह होना तय हो गया। हेलीकॉप्टर देखो कैसे गिरा ऊपर से। ये किलिंग मशीन नहीं है छोटू, ये है दबंग मशीन। ये मिलिट्री बेस के अंदर आ गई है तो ये सबको खत्म करके जाएगी। मतलब रोपीरो के शॉप में सबसे महंगी, सबसे भारी भरकम अगर कोई चीज है तो वो है किलिंग मशीन। अरे यार साथ क्या तो बात कर रहे हो यार, मैं आ गया हूँ यहाँ पर। अबे ओए शाहरुख खान की टट्टी, तू बहुत ही अच्छा बोल रहा है, लेकिन छोटू अपन अगर बोलेगा ना शाहरुख खान की तरह तो तू हिल जाएगा रे। क्या? अरे यार तो तुम मेरी अभी नकल नहीं कर रही यार, तुम जल क्यों रहे हो? अबे जलते क्यों हो यार छोटू, तू परेशान मत हो, अगर अपन को सबकी आवाज आती है तो जरूरी थोड़ी है तेरे को भी आती हो। लेकिन किलिंग मशीन ने सब कुछ कर दिखाया तेरे को छोटू, लेकिन पावर जा रही है किलिंग मशीन की। अगर पावर ऊपर नीचे हो गया तो छोटू मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ है और तेरे में बाल पकड़ के नीचे उल्टा करके लटका दूंगा। अरे यार उस्ताद तुम तो यार टॉर्चर कर रहे हो यहाँ पर। अरे रुको रुको उस्ताद, अपन की हेल्थ यार बहुत ही ज्यादा जा रही है। अबे तो तेरे को किस लिए यहाँ बिठाया हुआ है टट्टी, जल्दी से कर इसकी किलिंग मशीन की पावरफुल, क्योंकि पेंचर आ गया है और उड़ भी गया देखा ये बाप। अरे यार सर तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे गले में कुछ फंस गया है क्या? नहीं छोटू खांसी आई लेकिन मैंने एक्टिंग कर ली, पागल समझ में भी नहीं आया बच्चों को ये मैंने किया क्या है। ये पुलिस की गाड़ी ऐसे पागल क्यों हो रही है रे, गोल गोल घूम रही है, मुझे तो लगता है इसका सर घूम गया है। अच्छा अच्छा ये बात है उस्ताद, आप बताओ यार यहाँ पर तो सारे इतने सारे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, अब क्या करें इनका? अरे क्लासिक गेमर की टट्टी तेरे को क्यों नहीं समझ में आता, ये किलिंग मशीन है, ये रोपी रो नहीं है रे बाबा, ये सबको मुंह देगा। अरे यार उस्ताद ये देखो अपन का रोपी रो रोबोट के ऊपर चढ़ गया। अबे कोई दिक्कत नहीं है छोटू, तीन तीन पुलिस की गाड़ी आ गई है लेकिन अपन को कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा सा चुटकला रोबोट है, ये क्या करेगा किलिंग मशीन को बाबा। अरे 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 उस्ताद यहाँ पर तो ये बहुत ही ज्यादा मार रहा है, ज्यादा मार रहा है, तेरी भैंस की आंख रुक तो जरा। आ जाओ मिलिट्री बेस वालो मार खा लो। अरे यार उस्ताद मेरी हेल्थ जाएगी तो ऑटोमेटिकली रिफिल भी हो जाएगी। अच्छा तो ये कितने हेलीकॉप्टर इसने नीचे लटकाए हैं छोटू किलिंग मशीन ने, बता जल्दी से। क्या क्या लटकाए हैं? अबे मतलब फटकाए हैं, नीचे कितने हेलीकॉप्टर इसने गिराए हैं ये तो बता। अरे यार तो तुम्हारी सोच से ज्यादा।
अबे छोटू तू नहीं सुधरेगा बाहर मिलिट्री बेस के, देख ये क्या गया पेंजर, फौजी पेंजर ये क्या है? अरे फौजी फौजी नहीं है यार, ये अपन को मारने आया था। अरे वो देखो यार, ये क्या छोटू, अरे ये गाड़ी इतनी स्पीड में क्यों गई हमें छोड़ के, ये क्या लिखा हुआ था? अबे ये रोपीरो वापस आ गया, ये क्या हुआ छोटू? स्टार भी खत्म हो गए। अबे छोटू मतलब अपन की किलिंग मशीन की लास्ट डेट थी और वो चली गई, अब खुद को बचा क्योंकि ये बिग बॉस है भाई। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, खुद को बचा लूंगा यार, ये देखो भाई साहब, इसकी तो मैं भैंस की आंख कर दूंगा यार। अबे छोटू ये बिग बॉस है, इसके चुटकुले भी बहुत घूम रहे हैं, जल्द से अच्छी चीज उठा ले भाई। ओके ये ले साले को मार गिराया मैंने। अबे छोटू अब इसको लटका भी दे मतलब आसमान में, लेकिन ये चला गया यार, ये तो मर गया, ये वार्निंग दे के जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम अपन तेरे को नहीं छोड़ेगा रे बाबा। अरे यार तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है ना यार, ये अपन को धमकी भी दे के जा रहा है पर इसकी धमकी कभी भी कबूल नहीं होती यार। तो कोई दिक्कत नहीं है छोटू, मतलब अपना रोपीरो तो बहुत ही फ्रेश लग रहा है क्योंकि ये अभी आया है, पहले इससे किलिंग मशीन मुकाबला कर रही थी, तो इसकी पावर बहुत ही अच्छी है और कैसे उड़ रहा है देख भाई हवा में। अरे यार गाइस आप जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो, मुझे पता है वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। अबे गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो और अपना नाम जरूर लिखना वरना तुम लोगों की मैं पट्टी बना दूंगा। अरे 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 गाइस को भी धमकी दे रहे हो, गाइस आप नाम लिख दो यार ताकि आपको संडे को शॉट आउट मिले, है ना उस्ताद? अरे अपन देगा, अपन शॉट आउट देगा, एक एक बंदे का दो दो मरतबा नाम लूंगा, जल्दी से जाओ अपना नाम लिखो सब्सक्राइब करो। अरे तो यार गाइस यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। Okay.